पहले तो मैं काबराल जी के जो बहाने इन्होंने रखे हैं उनका जवाब दे देता हूँ। ये एक्सक्यूजेज हैं, बहानेबाजी है। जैसे क्लास में बच्चा जाता है ना तो बहाने बनाने लगता है। दिल्ली के अंदर एक भी थर्मल पावर स्टेशन दिल्ली के अंदर काम नहीं कर रहा है। जैसे हमारी सरकार बनी थी, ड्यू टू पॉल्यूशन राजघाट और हमारे पास बदरपुर पावर स्टेशन थे, दोनों हमने बंद करा दी थी। छत्तीसगढ़ जहाँ की बात कर रहे हैं, वहाँ से दिल्ली को बिजली भी आती है, हिमाचल से बिजली कहते हैं, दिल्ली को भी हिमाचल से बिजली आती है। जब भी हम 24 घंटे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देते हैं, नियत की बात है। अगर हमारी नियत होती, हमारी सरकार को तो 7 साल हुए बने हुए, हमने सरकार बनने के 2 साल के अंदर 24 घंटे बिजली स्टार्ट कर दी दिल्ली के अंदर अनइंटरप्टेड। इनकी सरकार तो 10 साल से चल रही है, 12 साल से चल रही है, इनको अब आगे 3 साल क्यों चाहिए? क्योंकि हमने कह दिया, तो अब ये कह रहे नहीं 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 हमसे हुआ नहीं, 10 साल हमने ऐसे बर्बाद कर दिए, तब हम एमएलए खरीदने में लगे हुए थे, तब हमारे पास टाइम नहीं था, तब हम पॉलिटिक्स में लगे हुए थे, अब आने वाले 3 साल के अंदर एमएलए खरीदने के लिए, अभी हम 3 साल में आने वाले 3 साल के अंदर यू शुड बी रिमिटेड टू दिस सो देन आई विल आल्सो आस्क हिम ओके नो नो ओके दिस वन क्वेश्चन व्हिच ही हैज आस्क्ड यू एंड वन स्टैटिस्टिक्स वी हैज प्रेजेंटेड इज दैट योर दिल्ली पावर इज कॉस्टलियर देन गोवा पावर। रुपेश जी, मैं उन्हीं के, उन्होंने जो क्वेश्चन उठाए उन्हीं के जवाब दे रहा हूँ। दिल्ली की पावर बता रहा हूँ। उन्होंने बोला कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ से पावर आती है, इसलिए बिजली 24 घंटे नहीं मिलती। दिल्ली में भी पावर छत्तीसगढ़ से आती है, दिल्ली में भी पावर हिमाचल से आती है, उसके बावजूद भी दिल्ली में पिछले 5 साल से 24 घंटे 24/7 बिजली मिलती है। हम कोई बहानेबाजी नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि हमें 3 साल और दे दो। अब जनता समझदार है, वो 3 साल देने वाली नहीं है, ध्यान से रहना।